एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये पूरा पूरा दीवार कौन सा तल हो जाएगा? एक्स वाई। बहुत अच्छे समझ आएगा, कुर्सी खड़े हो जाएंगे, बोल दो हम खड़े हो, और एक इधर से इधर जाएगा, क्योंकि ये 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 और ये क्या है, वाई जेड है। समझ में आएगा कि नहीं? अभी इसमें पूरा नहीं, बहुत बहुत बेकार, अभी पहले नहीं बता पा रहा हूँ। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? अरे जोर से बोलो, इस पे सबका मुंह दिख रहा है भाई, बाद में बिल्कुल देखेंगे किसका मुंह खुला था किसका नहीं। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी का शेप, पी का शेप, डी का शेप। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में कितने? डी में कितने? पी में कितने एक्सियल होते हैं, मतलब कितने अक्ष पर पाए जाते हैं पी में? पी में बताओ कितने? शेप ऑफ ऑर्बिटल आज क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई बहुत खतरनाक इंग्लिश नहीं है। शेप मतलब उनका आकार कैसा होता है, जो ऑर्बिटल्स हैं, जो कक्षक हैं, ठीक है, जो हमारे कक्षक हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनका आकार कैसा होता है, ठीक है, ये टॉपिक है आज का, उनका आकार कैसा होता है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर कक्षक की परिभाषा पूछ ली जाए, कक्षक होते क्या हैं? ठीक, जैसे ऑर्बिट मतलब शेल, शेल मतलब ऑर्बिट, हमने बताया था ना, शेल मतलब ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर जिसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा आराम से दे सकते हो कि वही कहीं वो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, उसी को क्या बोलते हैं? कक्षा। उसको क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं, ठीक है। जैसे परमाणु के बारे में इतना तो पढ़ गए हो ना कि बीच में नाभिक होता है और ऐसे चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारा एक पथ पर उसके चक्कर काटता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी कक्षा। अरे भाई तेजी से बोलो यार, कक्षा हो जाएगी, ठीक। उस कक्षा के अंदर या उस कोश के अंदर क्या होते हैं? उपकोश, और उपकोश के अंदर कक्षक, ऑर्बिटल। सब भूल गए क्या? दुपड़ा साफ एकदम, तो यार बोलो, इस शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, मतलब कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक। तो कक्षक की अगर परिभाषा देना हो तो एक लाइन में कक्षक की परिभाषा दे देंगे कि परमाणु के अंदर का वह स्थान, ध्यान से सुन लो एक बार में याद हो जाएगा, परमाणु के अंदर का शिवम बाबू वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, वही होता है कक्षक। बात समझ में आ रही है? इतनी जैसे इस विद्यालय में किसी विद्यार्थी के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पर होगी? उसकी सीट पर, और कहीं नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? उस सीट पर ही। और जब हमने एग्जाम्पल लिया था, एक बालक को किसी जगह पर किसी विद्यालय में खोजना है, तो स्कूल में गए, स्कूल के अंदर क्लास में गए, क्लास के अंदर सेक्शन में गए, और सेक्शन के अंदर फिर हमने नाम उठाया, तो हर सीट पर दो या तीन, मुन्ना बाबू का एग्जाम्पल लिए थे ना, कहा है मुन्ना? इलेक्ट्रॉन ही कहा गया, ठीक। ध्यान से सुनो, तो सबसे ज्यादा आपके पाए जाने की संभावना इस विद्यालय में कहां पर है? सीट पर। तो सीट आपकी क्या है? कक्षक है। तो उसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां पर सबसे अधिक होती है, उसे ही क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। ये थ्री डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं थ्री डायमेंशनल रीजन इन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता जहां पर सबसे ज्यादा हो, उसी को क्या कहा जाता है? कक्षक कहते हैं, ठीक है। अभी तक कक्षक हम लोग कैसे पढ़ते आ रहे थे? ऐसे बॉक्सेस, ठीक, तीन कक्षक होते हैं, पांच होते हैं, सात होते हैं, जैसे भी होते हैं, हम लोग वही सब पढ़ते आ रहे थे। कोई समस्या किसी को? आज हम लोग असल में पढ़ेंगे कि असल में वो होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। देखने का मतलब ऐसा नहीं है एग्जैक्टली हम लोग वैसा ही देख पाए थे, ठीक है। जो भी उसकी माइक्रोस्कोपिक जो इमेज बनती है, ठीक है, इंटरनेट पर भी जाकर के देखोगे तो हमें क्लाउड के रूप में ही दिखता है, बादल के रूप में ही दिखता है, ठीक है। तो कितने तरह की ऑर्बिटल्स होती थी, कितने तरह के उपकोश थे हमारे? चार थे, ठीक है। पहला क्या था? एस, ठीक है, एस सबशेल था, एस उपकोश। एस उपकोश में कितने ऑर्बिटल होते हैं?
कितने ऑर्बिटल होते हैं? कितने ऑर्बिटल होते हैं? कितने ऑर्बिटल होते हैं? ऐसे आदमी गलत होता जाता है। पूरी क्लास बोल रही है एस उपकोष में दो ऑर्बिटल होते हैं। नहीं नहीं बोल रहे, पूरी क्लास बोल रही है। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? कहीं जवाब बदल जाए, हम तो कुछ बता नहीं रहे हैं कि नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार। गांजा अलग अलग तरह से असर कर रहा है क्या तुम लोगों का? कहते हैं पढ़ के आया करो। सुबह सुबह पहली क्लास में पहली पीरियड में बेमतलब मूड खराब करने वाला काम करते हो। ऐसे उपकोष में कितने ऑर्बिटल कितने कक्षक होते हैं? अरे पूरी क्लास बोलो कितने होते हैं? एक। अब इसके अंदर ये जो दो डंडियां बन रही थी ना यही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है? तो यहां पर है, इसके बाद जो है फिजिक्स की क्लास लिए, इसके बाद बायो क्लास लिए, इसके बाद फिर जो है हिंदी की क्लास लिए, इंटरवल हुआ, इंटरवल में इधर उधर रूटिंग किए, पांचवी अंग्रेजी क्लास है, अंग्रेजी क्लास लिए, निकल गए, दीपिका चक्कर काटे, बगिया पहुंचे, उसके चिल्लम फूके, सब भूल गया। यही करते हो तुम लोग, सच्चाई है बता रहा हूं मैं। और फिर सुबह सुबह शिवम बाबू यही करके आते हो। अब इसका शेप देखो कैसा होता है। एस सबशेल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, गोलाकार। एस सबशेल का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है, गोल जैसे रोटी। अरे हाँ या ना बोलो यार, इतना नहीं पता है। रोटी गोल होती है? नहीं, रोटी गोल नहीं होती। अगर रोटी गोल होती है तो बॉल कैसी होती है? बॉल और रोटी एक जैसी दिखती है क्या? तो दोनों में से कोई एक चक्कर 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 कौन चक्कर चक्कर है? रोटी आप कह सकते हो वृत्ताकार होती है, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं? गोल, गोल का मतलब क्या होता है? जैसे बॉल है, जो गोली आकृति होती है ना, गोली, गोली आकृति का मतलब होता है जो थ्री डायमेंशनल हो, जिसको हाथ में उठाया जा सके, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर बनाया जा सके। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर बनाया जा सके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीन पेन लीजिए पतले पतले, हाँ ये तीनों दो, हाँ हमारे पास एक चल है, ठीक है? ये हमारा है, ये स्पेस है, इसमें ये एक मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? यही तीन विमाएं होती हैं। हम लोग इतना फिजिक्स में कुछ पढ़े हो कि नहीं? अभी तक तीन महीना हो गया, कुछ तो पढ़े हो गए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस स्पेस में अगर किसी के भी कोऑर्डिनेट्स को बताना हो कि वो कहां पर है तो इसी की सहायता से हम बताते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वो जो गोला होता है, ठीक है, वो गोला इसी में ही रहता है और केंद्र में ये जो ओरिजिन है वो इसके केंद्र में रहता है। ये तीनों लाइन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक? अभी पेन ले लेना। अब ध्यान से सुनो, अब ये समस्या आती है कि सर जी चलो समझ में आ गया कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, गोलाकार होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रहते कहां हैं? तो ये जो गोल है ना, गोला, ये देखा गया, ध्यान से सुनना, ये देखा गया है कि इनका ये जो होता है बाहरी हिस्सा, यहां पर आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। क्या पाई गई है? आवेश की मात्रा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां होते हैं? जो ऊपरी भाग या बाहरी सतह होती है, बाहरी भाग होता है, वहां पर होते हैं, ठीक है? अब कहोगे कि सर जी अभी तक आप इलेक्ट्रॉन को कभी पॉइंट से दिखा रहे थे, बात समझ आ रही कि नहीं? कभी आप एक डंडी से दिखा रहे थे, यहां पे पता नहीं क्या ऐसे गूंज गांज दी है, ठीक? तो इलेक्ट्रॉन होता कैसा है समझ में जो है हमको आ नहीं रहा है, तो हम पहले बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन असल में इलेक्ट्रॉन एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है। जैसे भूत होता है ना, तृप्ति,
जैसे भूत पिशाच होते हैं ना, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन बस एक समझ लो कि एक प्रभाव होता है, एक आवेश होता है, ठीक है। यहां पर एस सबशेल में जो आवेश की मात्रा पाई गई थी कितनी पाई गई थी, 1.6×10⁻¹⁹ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया जा रहा था इतने रीजन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बीच में नहीं पाया जा रहा था, बीच में कुछ भी नहीं पाया जा रहा था, बीच वाली जगह को नाम दिया गया नोड, क्या नाम दिया गया, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था उसको नाम दिया गया एंटीनोड, क्या एंटीनोड। ये बाहर ही क्यों पाया जा रहा था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का बादल, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बाहर क्यों पाया जा रहा था, कोई बता सकता है क्यों नहीं बीच में पाया जा रहा था। देखो पहली चीज तो दिमाग से ये हटा दो कि हम अभी परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, परमाणु के अंदर हम शेल के अंदर सबशेल के अंदर पहुंच चुके हैं, और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल मतलब कक्षक के अंदर पहुंच चुके हैं, और कक्षक का आकार देखा जा रहा है। ये चीज भेजे में घुस रही है कि नहीं, नहीं तो 90% बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि यही परमाणु है। अभी परमाणु के अंदर बहुत अंदर तक जा चुके हैं हम लोग, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। समझ में आ रही बात कि नहीं, पहलो आ रहे ना समझ में, ये परमाणु के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बोलते बीच में पूछे क्या रहेगा, कुछ कह देंगे नाभिक, क्या रहेगा नोड, नोड का मतलब होता है जैसे पढ़ते ना नोड मतलब होता है गांठ बीच में, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में दो जगह दो चीजें होती हैं, किसी भी कक्षक में दो चीजें होती हैं, एक होता है नोड और एक होता है एंटी नोड। एंटी नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। एंटी नोड दूर दूर होता है, वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्यों दूर दूर होता है इतना प्रभाव इसका, ऐसे बाहर की तरफ फैला हुआ क्यों पाया जा रहा है, कोई बता सकता है। हाँ हाँ बताओ, परमात्मक होता है, बताओ भाई बताओ, नहीं तो कैमरे के सामने सबसे खड़ा करके पूछा जाएगा। किसके किसके यहाँ भैंस है, अवधिया वैसे ही आई है जैसे बैठी रहती है, मुंह जमीनियां तो रखी रहती हैं, और बैठे बैठे तो नकिया पास से वो सब निकलता है, उर्रा उर्रा निकलता है वैसे। तो बताओ शेप, टाइम देख लो कौन सा है काटना इसको, है 12:47 हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर होता है ऋण आवेश, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, 2 इलेक्ट्रॉन का बादल, प्रियांजल ले लो मैं ले लो, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन का बादल है, आलोक भाव 2 इलेक्ट्रॉन का बादल है, और इलेक्ट्रॉन पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पर ऋण आवेश और दूसरे पर यही गाजा घूमने वाली बात क्या कहते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तो दूसरे पर भी ऋण आवेश ही होगा, नालायको इलेक्ट्रॉन है ना, और ऋण आवेश समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे तो मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहेंगे कि नहीं, इसीलिए जब ये स्फेरिकल शेप में रहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है जो बादल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ रहेगी, इसके सरफेस पर ही रहेगी ना, इसलिए वो दूर एंटी नोड, ठीक है एंटी नोड वाली जगह पर ही पाए जाते हैं। इतना भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, ठीक है इधर ध्यान दो श्री चंद्राव पीछे, ये एस का हो गया शेप, ठीक अब पी का देख लेते हैं, पी का जो सप्पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डमरू की तरह होता है, कैसा होता है डमरू डम्बल, ठीक है डम्बल, डम्बल कैसा होता है डमरू की तरह, ठीक है कैसा
इस तरह से एक ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, इस तरह से होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, जोर से बोलिए, जय माता दी। ठीक है, सारे बोलिए, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल का, एक डंबल का शेप हमने बनाया है। जैसे यहां पर हम लोग पी में बनाते थे डंबल, यहां पर जो शेप बनाते थे वैसे तीन बॉक्स बनाते थे ना, वो तीन डंबल होते हैं, एक डंबल इधर, एक डंबल ये, एक डंबल ये, तीनों एक्सिस के अराउंड अलग अलग। एक का नाम होता था पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां पर नोड और एंटी नोड देख करके बता सकते हो। नोड का मतलब मैंने बताया था गांठ, नोड का मतलब गांठ, पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं? नोड का मतलब होता है गांठ, मतलब ये हो गया आपका नोड, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां पर तो नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, एंटी नोड पर, ये जगह जो होती है ये होती है एंटी नोड। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये एक ऑर्बिटल है, एक कक्षक है, पूरे सबशेल का नहीं है। ठीक, अगर हम लोग को पूरा का पूरा पी सबशेल बनाना हो, अनामिका, पूरा का पूरा पी सबशेल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये मान लीजिए हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है, ये हमारा पी सबशेल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक, तीन पेन लेते हैं, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन के पास तक पहुंचे हैं कक्षक में। पहले बता दे रहे हैं हम लोग परमाणु के अंदर, कक्षा के अंदर, उसके उपकोष के अंदर कक्षक तक पहुंच चुके हैं। ठीक, ये मान लीजिए हो गया पी एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसमें आ रहा है ये। ठीक है, तो पी एक्सिस कैसे होगा, पी एक्स, ये इस तरह से होगा, समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक, पी वाई किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, पी जेड किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाए जाएंगे, यहां 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 और यहां, इस तरह से हमारे टोटल छह इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें पाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, इसको निकाल दिया, ये कौन सी ऑर्बिटल है, सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे, पी एक्स, इसको निकाल दिया बाहर, ये कौन सी है, ठीक है, मान लो पी वाई पी जेड जो तुम लोग समझे हो, ठीक है, पी वाई बोल रहे थे इसको, ठीक, और ये कौन सा है, पी जेड, और तीनों को मिला करके ये कौन सी सबशेल बन गई, पी सबशेल, ये पूरी की पूरी क्या है, पी सबशेल है, देखा ये पूरी पूरी क्या है, पी सबशेल, ये पी सबशेल है, ठीक है, पूरी की पूरी पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन यहां यहां और यहां पाए जाएंगे। इन जगहों को एंटी नोड बोलते हैं और इन सब का शेप कैसा है, डंबल की तरह से है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, इसमें देखो होता क्या है कि ये होता है एक्सिस, ये होता है अक्ष, कोई समस्या किसी को, ये क्या होता है अक्ष, एक्सिस, और ये जो जगह होती हैं इनको कहते हैं प्लेन, ठीक है, तल, इसको क्या कहते हैं, तल। तो तल कितने होते हैं, तल भी तीन ही होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक, तल भी तीन होते हैं और एक्सिस भी तीन ही होते हैं। बात समझ में आ रही ना, अभी समझाएंगे। तो पी का समझ में आ गया ना, पी, पी का शेप कैसा होता है, डंबल की तरह होता है। पी सबशेल का शेप कैसा होता है, डंबल की तरह होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और बाकी जब इस पर जो सवाल वाल लगाने हैं तो जब एक्सरसाइज एक्सरसाइज लगाया जाएगा सब इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में कि कितने नोड होंगे, सदाशिव बाबू कितने नोड होंगे, कितने एंटी नोड होंगे, ये सारी चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न जब तैयारी करेंगे तो लगा लिया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाए ना। ठीक, डी पे आ जाते हैं, डी, डी सबशेल का शेप कैसा होता है, डी सबशेल का शेप डबल डंबल की तरह होता है, डबल डंबल, दो डंबल। ठीक, ठीक है, ये भी एक एक डी ऑर्बिटल का डबल डंबल, कोई समस्या? अब इसमें एक्स वाई जेड ये सारी चीजें कैसे बताएंगे, यही चीज समझना है आप लोगों को, समझ में आ रही बात की नहीं?
इसको समझ गए तो सारा ऑर्बिटल्स का शेप आप लोग को समझ में आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना? इसमें कुछ तो हम ड्रॉ कर लेंगे, कुछ हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि थ्री डायमेंशनल है। ठीक, पहले हम पांचों के नाम लिख देते हैं। टी में, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? कितने होते हैं? डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? धीरे धीरे असर कम हो रहा है। डबल डबल है, ये एक डी ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कितने डी ऑर्बिटल है रितेश? ये एक डी ऑर्बिटल है, डबल डंबल। ठीक, एक डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे एक डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं दो, दो। एक डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। यानी कि, और एंटी नोड तो पता ही है, यानी कि ये सब जगह मिला करके दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश का इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिल रहा था। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक, हम जान, जो समझने की कोशिश करेगा उसको एक बार में आएगा ही नहीं समझ में, क्योंकि अलग है ये चीज थोड़ी सी। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो गए तभी एक ही बार में समझ में आ जाएगा, और तुम लोग नहीं हो यकीन मानो। ठीक, ये एक डी ऑर्बिटल है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे? दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहां पर हमें एंटी नोड टोटल कितने दिख रहे हैं? चार। चार एंटी नोड, मतलब इन चारों एंटी नोड्स के आवेश को जब मिला करके देखा गया तो ये पाया गया कि जो चारों एंटी नोड का जो आवेश है वो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आ रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये इसके पहले भी बताए थे और इसी भाषा में बताए थे, तब का नहीं समझ में आया? दो बार में ही है, समझ में आएगा। ठीक है, सबका नाम लिखते हैं सबसे पहले। ठीक, ये है डी एक्स वाई, ये क्या है? डी वाई है, और ये क्या है? डी जेड एक्स। ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ये पांच होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको समझाते हैं। ठीक है, इसमें आ रहे हैं पूरे के पूरे हम। ठीक, कितने में रहिए हैं? ध्यान से देखो, पीछे इधर बोला तुम लोगों का, हमको नहीं लगता है, हमको अगर चलते फिरते देखते हो गए इधर तो बुढ़ापा आया। ठीक है, क्योंकि अगर 6-7-8 के बच्चे हैं तो उनको मैं ऐसे करके और ऐसे कर देता। ठीक है, तुम लोग थोड़े तगड़े हो, तुम लोग पे हाथ रख करके किनारे करते हैं, उन लोगों को तो धक्का दे करके हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, 1 दिन तो आने जाने में ही चला जाएगा। ध्यान से सुनो, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x, y, z, p वाला याद करो। ठीक है, p वाला क्या था? px, मतलब एक्सिस पर था। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इस जगह को क्या बोलेंगे? इस जगह को, ये है एक्स वाई प्लेन। ये क्या है? एक्स वाई प्लेन। ये है एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन। समझ में आ रही बात की नहीं? यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच वाली जगह को क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। कोई दिक्कत किसी को? ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये क्या है? वाई जेड प्लेन। ये क्या है? वाई जेड प्लेन। चार्ट है वाई जेड प्लेन। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये कौन सा प्लेन है? जेड एक्स प्लेन। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जेड एक्स प्लेन। जैसे यहां पर ध्यान से सुनो, वो कौन आ रहा है इसमें? इधर घुमा दो, आ रहा है। ये मान लो एक्स एक्सिस है। ठीक, इसीलिए गाली खाते हो तुम लोग, और कोई रीजन नहीं है।
एक्स एक्सिस है, समझ में आ रही बात, ये वाली लाइन, लाइन सिर्फ, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से सुन लेना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये पूरे का पूरा दीवार कौन सा तल हो जाएगा, एक्स वाई, बहुत अच्छे, समझ में आ रही बात की नहीं, सामने वाला भी एक्स वाई, इसके समांतर ये भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई, कोई दिक्कत, ये वाई था, ये जेड था, ये कौन सा तल है, वाई जेड या जेड वाई, ठीक, ऊपर वाला भी वाई जेड, उसी के समांतर है, समझ में आ रही बात की नहीं, ये खुद से बताओ ये कौन सा तल है, जेड एक्स तल है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, ये जेड एक्स तल है, यानी कि ये हो गया प्लेन, यानी कि तल, ये हो गया अक्ष, लाइन पर रहते हो तो यानी कि अक्ष पर रहते हो, दीवार पर रहते हो यानी कि तल पर रहते हो, और अगर कमरे में कहीं रहते हो इसका मतलब तुम थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय स्पेस में रहते हो, अक्ष, तल और स्पेस, यही तीन चीज होती है, बात समझ में आ रही कि नहीं, अक्ष, तल और स्पेस, ठीक है, स्पेस थ्री डायमेंशनल होता है, यानी कि वो एक्स से भी दूरी नापेंगे, वाई से भी नापेंगे और जेड से भी नापेंगे, अभी तक जो तुम लोग टेंथ में कोऑर्डिनेट पढ़े होगे वो एक्स और वाई ऐसे ही पढ़े होगे ना, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, इलेवंथ में मैथ लोगे बायो से हो, उसमें एक्स वाई और जेड तीनों आ जाता है, मतलब स्पेस में नापा जाता है किसी भी चीज को, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं, तो तल क्या होते हैं वो समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, तेरे घुमाओ जर घुमाओ पता नहीं मोहब्बत से घुमाना, ये नहीं एक ही बार आ रहा है ना, तो तल समझ में आ गया और एक्सिस क्या होते समझ में आ गया, अब देखते हैं डी एक्स वाई, ये जो डी एक्स वाई है इसका शेप कैसा होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, डी एक्स वाई का जो शेप होगा, डी एक्स वाई का जो शेप होगा वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा कि नहीं होगा, दो डंबल है, देखना ध्यान से, एक डंबल एक्स वाई यहां पर, ठीक, और एक डंबल यहां पर, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनो पूरी क्लास, एक डंबल इस तरह से और एक डंबल इस तरह से, ठीक, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर, ये हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड क्या होगा, इस तरह से रहेगा, ठीक, ए भाई रितेश कहां कर जा रहे हो, तो हमसे बोल दो, कुर्सी खड़े हो जाए, बोलो तो हम खड़े हो सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं नहीं होंगे खड़े भाई, ठीक है, देखो ये आपका है एक्स वाई वाला, समझ में आ गया, अब डी वाई जेड देख लेते हैं, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, तो वाई जेड के दोनों डंबल कहां होंगे, ऐसे एक जाएगा डंबल नीचे की तरफ और एक इधर से इधर जाएगा, क्योंकि ये और ये और ये क्या है, वाई जेड है, समझ में आ रही बात की नहीं, अब इसमें पूरा दिख रहा है कि नहीं, बहुत बहुत बेकार अभी पहले नहीं बता पा रहे, ठीक है, अब दिख रहा है, तो वाई जेड वाला क्या हो जाएगा, वाई जेड वाला इस प्लेन में हो जाएगा, इधर हो जाएगा इस प्लेन में और इस प्लेन में, ठीक, जेड वाला, जेड वाई वाला, सॉरी जेड एक्स, इधर 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 और इधर, हमको लग रहा प्लेनर समझ में आ गया कि जो प्लेन पर होंगे कक्षक वो समझ में आ गए, ठीक है, एक्स वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये तीनों क्या होंगे, ये प्लेन पर होने वाले ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दरवाजा बंद करो, ये प्लेन पर पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं, समझ में आ रही बात की नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है, इनको कहते हैं प्लेनर ऑर्बिटल, ठीक, कैसे, मान लो ध्यान से सुनो, ठीक है, तेरे घुमा इसको, उसी पॉइंट को, वो ओरिजिन है, उसी पॉइंट को बीच में लेते आओ, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो है उधर भी एक लाइन मिलेगी, इधर भी एक लाइन मिलेगी, नहीं, ये एक्स वाई प्लेन था, इधर से एक डंबल गया, उधर से एक डंबल आया, एक्स वाई प्लेन में हमारा एक जो है दो डंबल का एक डी ऑर्बिटल बन गया, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पर पाया जा रहा है, तल पर पाया जा रहा है, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल कैसी हो गई, प्लेनर, यानी कि तल पर पाई जाने वाली, अच्छा याद करो, याद करो पी के बारे में हमने क्या बताया था, पी के बारे में, अरे नहीं और घुमा दे पाओ, आए पूरा हम भी आए, पी के बारे में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि पी तल पर नहीं पाया जा रहा था, पी कहां पर पाया जा रहा था, एक्सिस पर, अक्ष पर, यानी कि पी में कोई प्लेनर ऑर्बिटल नहीं होती, पी में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल ऑर्बिटल होती है, अक्ष वाली ऑर्बिटल होती है,
बहुत मगन हो गुप्ता, यहां ध्यान दो, दो बची हुई है अभी, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। रितेश, ये दोनों एक्सियल होंगी, मतलब ये अक्ष पर पाई जाएंगी, एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, यही था ना, ये कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर दोनों डंबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पाए जाएंगे तो वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? डी जेड स्क्वायर अभी हम समझाते हैं, पहले इन चारों का बना देना। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना देते हैं, एक्स वाई वाई जेड एक्स, तो समझ में आ गया होगा। ठीक, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो यहां यहां पर होगा, प्लेन में होगा, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां होगा? ये आपका एक्सिस पर होगा, अक्ष पर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जेड से कोई मतलब नहीं, क्लियर हो गई बात? ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सियल। अब बात आती है डी जेड स्क्वायर की, वो कैसा होगा? वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम समझाते हैं उसको कैसे। ठीक है, डी जेड स्क्वायर देखने में कैसा लग रहा है? डी जेड स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस है। ठीक है, डी जेड स्क्वायर में एक ही अक्ष हमें दिख रहा है। ठीक, तो जेड तो इन्वॉल्व होगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सिर्फ जेड ही इन्वॉल्व होगा। ऐसे था, ठीक, ये एक्स था, वाई था और जेड था, यही था हमारे पास। ठीक है, अब इस तरह से इस चीज को समझो, बस हमने थोड़ा सा तुम लोग की तरफ इसको घुमा दिया, ये जेड है। ठीक, दो डंबल होंगे, ये क्लियर है, दोनों के दोनों जेड पर होंगे, ये भी क्लियर है, लेकिन दोनों के दोनों जेड पर कैसे हो सकते हैं? एक तो समझ में आ रहा है, हाँ ऐसे हो जाएगा, जो दूसरा होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, वो इसको रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो प्रतिकर्षित करने के कारण ऐसे चारों तरफ ऐसे फैल जाते हैं रिंग के शेप में ऐसे। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करके बता रहे हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। डी जेड स्क्वायर क्या होगा? जेड पर होगा ऐसे और इस तरह से ऐसे। ठीक, कैसे? अब ये मत कहना सर 90 डिग्री नहीं है, ये है 90 डिग्री, जैसे तुम लोग को घुमा करके बताए थे वैसे घुमा करके बनाए हैं। ठीक है, घुमा देते हैं करके। ठीक है, एक्स वाई जेड, नहीं जेड है, तेरे सब समझ में, एक्स एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ठीक, ये एक हो गया जेड पर, और जो दूसरा वाला लोग होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों कुछ अलग रहेंगे, इनकी ऊर्जा स्तर कुछ अलग रहेगी, उन तीनों का ऊर्जा स्तर कुछ अलग रहेगा। ये तीन प्लेनर होंगे, ये दो एक्सियल होंगे, वो तीन प्लेन पर पाए जाएंगे, ये दो अक्ष पर पाए जाएंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, रही बात एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स की शेप की, ठीक है, तो उसका अभी तक ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा खोजा नहीं गया कि कैसा होगा सर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सामने आया है जिसको ड्रॉ कर पाना ही लगभग असंभव है। ठीक, लगभग असंभव है। ठीक है, तो एफ ऑर्बिटल का शेप हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एस ऑर्बिटल का शेप, पी ऑर्बिटल का शेप और डी ऑर्बिटल का शेप ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इसके शेप के बारे में हम पूछेंगे भी। ठीक, अब तक तुम लोगों से कुछ पूछ लेते हैं, जोर से बताना, चिल्ला के पूरी क्लास। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? अरे जोर से बोलो, इसमें सबका मुंह दिख रहा है भाई, बाद में हम वीडियो में देखेंगे किसका मुंह खुला था किसका नहीं। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी का शेप, पी का शेप, डी का शेप, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में कितने? डी में कितने? पी में कितने एक्सियल होते हैं, मतलब कितने अक्ष पर पाए जाते हैं पी में? दो,
पी में बताओ कितने, पी में कितने एक्सियल होते हैं, अक्ष पर पाए जाते हैं पी में? तीनों ना। ये मैजिक होता है, वो मैजिक इसमें हम दिखा नहीं सकते, अपने आप आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, पी में कितने प्लेनर होते हैं? जीरो। कितने होते हैं? जीरो। ठीक, ये मैजिक है। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? अरे डी में कितने होते हैं? मुझे को डी, डी में कितने होते हैं? कितने एक्सियल होते हैं? कितने एक्सियल होते हैं? दो। कितने प्लेनर होते हैं? याद रहेगा ना? नहीं याद रहेगा तो एक बार घर जाकर वीडियो देख लेना। शिवम दांत ना दिखाओ, तीन गुना जूम करूंगा मैं शिवम के लिए। तो आप आगे आते ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ लेना। यहाँ पर ये चैप्टर लगभग पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके नोट्स तुम लोगों को हम भेज देंगे पीडीएफ में। ठीक है, नोट कर लेना धीरे धीरे। ठीक, आज लेता रहेंगे।